दोस्तों आपके आईएम के कॉल्स आए हैं क्या? या एफएमएस का, एमडीआई का? आज का टॉपिक है रियलिटी ऑफ लाइफ इन एन आईएम। व्हेन आई एम सेइंग इन आईएम, आई मीन ऑल टॉप कॉलेजेस, जहां पे कैंपस होता है। एमडीआई, आईएम, आईएफटी, कोई भी टॉप कॉलेज आप ले लो, वहां पे लाइफ कैसी होती है दोस्तों? वहां पे लाइफ पूरे 24 महीनों के, 24 महीना तो नहीं होता दोस्तों, 2 साल जब कहते हैं तो 18 महीने का जनरली लाइफ होता है, क्योंकि आप जून जुलाई में जाओगे और आपका फरवरी तक कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? और उस बीच 2-3 महीने का इंटर्नशिप भी रहेगा, 2 से 2.5 महीने का। तो 18 महीने का कुछ कैंपस लाइफ होता है। वो कैसा होता है दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, रियलिटी ऑफ लाइफ इनसाइड एन आईएम। अगर आप इस बार एमबीए करने जा रहे हो, आपका कॉल्स आया है, तो एग्जा एमबी, आईएमटी, एमडीआई, आईएम, कहीं पे भी आप जाओगे, अंदर लाइफ कैसी होगी दोस्तों, सबसे पहले जब आप बी स्कूल में जाओगे, तो उसके पहले आपको एक सीवी बनाना होगा। यू हैव टू प्रिपेयर अ सीवी। आपको मेल आ जाएगा कि सीवी बनाना है, क्यों? क्योंकि सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीए जनरली एक एमबीए कॉलेज का डिनोमिनेटर प्लेसमेंट्स है। जनरली सभी लोगों को प्लेसमेंट चाहिए होता है, आजकल तो और चाहिए होता है, क्योंकि एमबीए कॉलेज का फीस ना 20 लाख से ऊपर हो गया है एवरेज। तो यार 20 लाख के ऊपर कोई 2 साल का फीस दे रहा है तो जॉब तो लेना ही चाहेगा। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है तो भी चाहेगा कि यार मैं 2-3 साल जॉब करूं। मेरे पापा का बिजनेस है, लेकिन जब हमने एमबीए किया था तो वो बोले थे यार 20-25 लाख एमबीए में लग रहा है, या 15-20 लाख, तो उतना कम से कम रिकवर तो कर लो। ये हर कोई चाहता है, एवरी वन वॉन्ट्स दिस, ठीक है दोस्तों? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज प्लेसमेंट्स आर डिसाइडेड बाय सीवी। वहां पे कोई आपका चेहरा तो नहीं देख रहा है, चेहरा उससे ज्यादा सीवी होगा। सीवी में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, वन पेजर सीवी होता है। तो सीवी इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एमबीए कॉलेज आने से पहले प्लेसमेंट कमेटी का मेल आ जाएगा कि एक सीवी बना के रखिए थोड़ा सा, तो आप सीवी बनाओगे। जब आप एमबीए कॉलेज में जाओगे तो पहले तो आप हॉस्टल में जाओगे, सेट हो जाओगे, ठीक है? जाते ही पहला हफ्ता एक एक हफ्ता होता है जिसमें मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों। फर्स्ट हफ्ता इन एन आईएम इज कॉल्ड कॉन वीक। कॉन वीक क्या होता है दोस्तों? पहले हफ्ते में आपको प्रिपेयर कराया जाएगा कि अगले 2 साल एमबीए में कैसा होगा। तो पहला हफ्ता सीनियर्स ने एक कल्चर बनाया है कि वो 2 साल का चिट्टा भट्टा एक हफ्ते में देंगे। मतलब वो एक हफ्ते आपको सोना ही नहीं देंगे। अगर आप सीनियर्स की मानोगे तो वो बोलेंगे भाई सोना नहीं है आपको, रात को 2 बजे असाइनमेंट आएगा, 1 बजे असाइनमेंट आएगा, बोलेगा सुबह 8 बजे करके दो, रात को 10 बजे असाइनमेंट आएगा, बोलेगा रात को 12 बजे तक करके दो। मतलब लिटरली आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा पहले हफ्ते। आप कॉलेज जाओगे, फिर घर आओगे, फिर असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट असाइनमेंट होगा, आपको 2-3 बातें सुनाई जाएंगी अगर आपने असाइनमेंट अच्छे से नहीं किया हो। आपने अच्छे से किया है तो भी आपको बातें सुनाई जाएगी, पीपीटी, एक्सेल, बिकॉज दे विल प्रिपेयर यू। ड्रेस रिहर्सल मतलब क्या होता है यार, कि दे विल प्रिपेयर यू फॉर द टफ लाइफ अहेड, इन आई एम लाइफ इज नॉट इजी। हर्षा भोगले का एक स्पीच है, आप देखना यूट्यूब में, हर्षा भोगले आई एम अहमदाबाद में एक स्पीच दे रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि गेटिंग इन टू आई एम इज ईजी, गेटिंग आउट ऑफ एन आई एम इज टफर, बिकॉज 2 साल मतलब बहुत ही प्रेशर होता है यार। ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए, फेल नहीं हो गए, पर प्रेशर होता है। पहला बात कि सब लोग टॉपर्स होते हैं, दूसरा बात इतना असाइनमेंट होता है, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट होता है। अगर मैं 10 कॉम्पिटेटिव बच्चों को एक साथ घुसा दूँ एक ग्रुप में, तो ही आपको लगेगा यार आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। कॉम्पिटिशन यू नो फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एनी वे, फर्स्ट हफ्ता कौन वीक होगा, उसमें क्या होगा, सीनियर्स ड्राइव करेंगे और आपको लगेगा कि यार जिंदगी खत्म है। मेरी बात सुनो, आपको मैं आपको हर चीज बताऊंगा आपको करना क्या है। पहले हफ्ते में अगर आपको लग रहा है कि आप मिस आउट कर पा रहे हो, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रेस रिहर्सल है, उतना टफ लाइफ नहीं होता, आगे जाके लाइफ ईजी होगी, ठीक है? उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो गया, तुरंत कमिटी फॉर्मेशन होगा। प्लेसमेंट कमिटी का सबसे पहले फॉर्मेशन होगा, अगेन बिकॉज प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ बी स्कूल। एक कमिटी फॉर्म होगा आपके बच्चों के द्वारा ही। तो जो सीनियर्स है वो एक यू नो सब कमिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आपको चूज करना होगा आप कौन सी कमेटी में अप्लाई करना है। सारी कमिटीज कौन सी होती है? एक होता है प्लेसमेंट कमेटी, एक होता है एलुमनाई कमेटी, एक होगा और भी कमेटीज होंगी, कल्चरल कमेटी, मीडिया कमेटी। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पार्टिसिपेट करो। प्लेसमेंट कमेटी इज ऑफ कोर्स द मोस्ट हाइप्ड एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, क्योंकि वही प्लेसमेंट कराएगा। अब मीडिया कमेटी वीक है, मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन का कोई बात नहीं, एलुमनाई वीक है, थोड़ा एलुमनाई से गलत खराब रिलेशन का कोई बात नहीं, पर प्लेसमेंट ही अगर नहीं हो पाए तो जैसे मैंने बताया 20 लाख का लोन लेके आप आ रहे हो, प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा भाई, खत्म खत्म, ठीक है? प्लेसमेंट कमेटी विल बी द फर्स्ट कमेटी टू बी फॉर्म। उसके बाद सारे कमिटीज फॉर्म होंगे। कमिटी फॉर्म करने के लिए अगेन आपको टास्क मिलेंगे, आपको हर दिन रात को 10 बजे टास्क आएगा, रात को 12 बजे तक देना है। प्लेसमेंट कमेटी के लिए 3-4 राउंड होता है, हर कमेटी के लिए टास्क होंगे, 2-3 राउंड होंगे। प्लेसमेंट कमेटी का सबसे टफ होगा सिलेक्शन, बाकी कमिटीज का थोड़ा इजी होगा। तो दिस इज द सेकेंड थिंग, जाते ही कमिटी फॉर्मेशन होगा, ठीक है? आप कमिटी फॉर्मेशन आप कैसे करोगे, जो मैंने बताया, जो आपको इंटरेस्ट है वो करो, जहां इंटरेस्ट है वो करो, क्योंकि इससे आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा जो आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है मीडिया में तो मीडिया कमेटी में जाओ, अगर आपको इंटरेस्ट है सेल्स का काम करने में, कंपनीज को बुलाने में, तो प्लेसमेंट कमेटी में जाओ,
ठीक है, वंस द प्लेसमेंट कमिटी इज फॉर्मड तो आपके क्लासेस चालू होंगे, क्लासेस में जब चालू होंगे तो अगेन डेडलाइंस आएंगे, आपको हर असाइनमेंट रात को 12 बजे तक देना है, मतलब जो भी उस दिन का डेट है उस दिन का ईओडी 12 AM होता है, और जल्दी आपको एक दिन का ही टाइम मिलेगा दोस्तों, तो असाइनमेंट्स वगैरह तो फिर भी ईजी होता है। उसके अलावा क्या टफ होगा मैं आपको बताता हूँ, तुरंत आपको अपना सीवी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप प्लेसमेंट कमेटी में गए तो आप सीवी बच्चों का बनाओगे, अगर आप स्टूडेंट्स को नॉर्मल नॉन प्लेसमेंट कमेटी तो आप सीवी बना के प्लेसमेंट कमेटी को दोगे। ये हुआ शुरू का 2-3 महीना का काम। उसके बाद क्या होता है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको IIM जाना है, इस साल नहीं जा रहे हो अगले साल जाना है, तो आप PW का कोर्स ले सकते हो, MBA वाला का, जिसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों MBA 2023 के लिए सिर्फ 28 जैन तक ये एप्लीकेबल है भाई, इससे सस्ता MBA प्रिपरेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये एक क्या दो ले सकते हो आप, पहले इसका 11999 था, फिर 6999 मैंने बताया, अभी 5999 में मिल रहा है। यू हैव टू यूज माई कोड AJ500। फिजिक्स वाला की तरफ से MBA का प्रिपरेशन, MBA 2023 का कैट का प्रिपरेशन का ये है, आपको सिर्फ 5999 में दोस्तों आपको MBA का पूरा कोचिंग मिल रहा है, विद क्वेश्चन बैंक, मॉक्स, सारे सब्जेक्ट्स के कोचिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टी, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर कैट प्रिपरेशन। अगर आपको इकोनॉमिकल कोर्स करना है तो 5999 में आप कर सकते हो, जस्ट यूज माई कोड AJ500। नॉर्मली MBA कोचिंग 25 से 30 हज़ार रुपये लग जाते हैं साल भर के, 6 हज़ार में मैंने तो कहीं नहीं देखा, अब यूज कर सकते हो। दोस्तों तो हम कहाँ पे थे, हम थे कि आपने अपना सीवी बना लिया, सीवी बन रहा है, अब सीवी बनने के बाद तुरंत समर प्लेसमेंट हो जाएगा, पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आने से पहले ही समर प्लेसमेंट हो जाएगा। समर प्लेसमेंट समर इंटर्नशिप के लिए होता है, कंपनीज अगस्त सितंबर अक्टूबर से आना चालू हो जाएंगे, अक्टूबर से चालू आना हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर से, ठीक है। समर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑल द बेस्ट प्लेसमेंट्स इन अ बी स्कूल दे आर जनरली थ्रू PPOs, जनरली वो PPO के थ्रू होता है, ठीक है। प्री प्लेसमेंट ऑफर PPO होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तब आपको मिलेगा। कहीं का भी प्लेसमेंट रिपोर्ट उठा के देख लो, McKinsey, ये IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, आप देखोगे McKinsey, BCG, Bain, टॉप कंपनी, यूनिलीवर, जनरली PPO से 50% बच्चे उठा रही है। तो अगर एक साल में McKinsey 50 बच्चे उठाता है आउट ऑफ ऑल द कैंपसेस ABC, तो 25 से 30 बच्चे वो PPO के थ्रू उठाएगी। क्यों? क्योंकि यार एक इंटरव्यू में किसी को बच्चे का पता लगा पाना, उससे ज्यादा सही तरीका है कि मैं बच्चे को इंटरव्यू के थ्रू लूं, फिर 2 महीने का इंटर्नशिप दूं, फिर उसमें अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तब उसे फाइनल जॉब ऑफर दूं, ठीक है दोस्तों। तो समर प्लेसमेंट इन माई व्यू, इन माई वर्ल्ड व्यू इज मोर इंपॉर्टेंट इन फाइनल प्लेसमेंट्स। व्हाई? बिकॉज फ्यू प्रीमियर कंपनीज ओनली कम फॉर समर प्लेसमेंट्स, कुछ प्रीमियर कंपनी समर प्लेसमेंट के लिए आती है, फाइनेंस के लिए नहीं आएगी और PPO के थ्रू जॉब देगी। कुछ जो आएंगी दोनों में वो भी ज्यादा ऑफर्स PPO से देगी, McKinsey ज्यादा ऑफर PPO से देता है। तो भैया आपको CV अच्छा बनाकर रखना है, आपको MBA के पहले आपने क्या किया है वो तो नहीं बदल सकते आप, लेकिन जो किया है उसको अच्छे से CV में लिखना है, उसको अच्छे से इंटरव्यू में बेचना है, कंपनी को फील करवाना है कि मैं आपके लिए बेस्ट हूँ, ठीक है। समर प्लेसमेंट हो जाएगा, अब आपका सेमेस्टर हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट आ गया, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फिर आप करोगे इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में मैंने बताया आपको, आपको PPO लेना है, अगर आपने PPO ले लिया ना तो पहले साल के बाद ही आपका प्लेसमेंट हो गया दोस्तों। अब देखो अगर फर्स्ट ईयर के बाद ही आपका प्लेसमेंट हो गया है तो सेकेंड ईयर चिल मारो, है ना, सेकेंड ईयर चिल मारो, प्लेसमेंट हो गया है। MBA में हर कोई पास हो जाता है, मुश्किल से 5 से 10% लोग ही बैक होगा, फेल होंगे, बाकी लोग पास हो जाएंगे मुश्किल से, कहीं कहीं तो कोई भी फेल नहीं होगा। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर प्लेसमेंट लग गया, आप सेकंड ईयर चेल मारो, बस पास हो जाओ, कंपनी जॉब ऑफर नहीं लेगी आपसे वापस, कंपनी नहीं बोलेगी यार तुम्हारे 50% नंबर है, पास हो मेरे पास आ जाओ, फेल नहीं होगा तो भी कंपनी बोलेगी यार क्या कर दिया यार, तो हम तो तुम्हारा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए समर प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, समर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप जाओ, अब फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में कॉलेज के मार्क्स से ज्यादा आप फाइनल प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करो। फाइनल प्लेसमेंट विल हैपन अगेन अक्टूबर नवंबर से इन मोस्ट कॉलेजेस, जो कि अच्छे कॉलेजेस है वहां जनवरी फरवरी में होता है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा अच्छा कॉलेज है ना वहाँ 3 दिन में प्लेसमेंट हो जाता है, Day 0, Day 1, Day 2, एंड अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में पिछले सालों से 10 सालों से 3-4 दिन में प्लेसमेंट होता आ रहा है कंप्लीट, 400 बच्चों का 3 दिन में प्लेसमेंट, तो उनके पास पावर है कि वो जनवरी में प्लेसमेंट रखे, पर बाकी कॉलेज के पास पावर नहीं है कि जनवरी में प्लेसमेंट रखे, क्योंकि जनवरी में प्लेसमेंट रखेंगे तो 3 दिन में या 2 महीने में प्लेसमेंट पूरा नहीं हो पाएगा 600 बच्चों, तो बाकी कॉलेज को सेप्टेंबर में फिर फाइनल प्लेसमेंट चालू करना पड़ता है, और आपको सेप्टेंबर से फिर वही जो समर प्लेसमेंट हुआ है वही चीज वापस से होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको श्योर होना है कि आपको क्या पसंद है। अगर आपने इंटर्नशिप मार्केटिंग में की है तो उसके नॉलेज से आप दिखा दो उसको मार्केटिंग पसंद है, अगर आपको इंटर्नशिप कहीं और की है, आपको कहीं और इंटरेस्ट है, तो भाई उस बीच केस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो, उस बीच लाइव प्रोजेक्ट करो, कुछ अपना एक्सपर्टीज दिखाओ। फाइनल प्लेसमेंट्स विल बी टफर देन समर प्लेसमेंट्स, क्योंकि अब समर प्लेसमेंट तो अगस्त में हो गया फर्स्ट ईयर ही, तो
तो आपको एमबीए के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपके बैकग्राउंड के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। आपने एमबीए की पढ़ाई तो अभी शुरू की है, लेकिन फाइनल प्लेसमेंट में तो एमबीए का सवाल नहीं पूछा जाएगा, समझ रहे हो? तो भाई अगर समर प्लेसमेंट का सीरीज छूट गया तो आप फाइनल प्लेसमेंट में यू हैव टू गिव योर बेस्ट, और फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर फाइनल प्लेसमेंट का ही तैयारी करो। ये वो आपको क्या करना चाहिए, एक बार आपका फाइनल प्लेसमेंट हो गया फिर लास्ट सेमेस्टर ऐसे ही निकाल लो, फिर 2 महीने चिल मारो, एमबीए ओवर। इस बीच आप हर समय लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। लाइव प्रोजेक्ट्स क्या होता है, वो छोटा समर इंटर्नशिप होता है जो कॉलेज के साथ होता है, तो आपको 2-3 घंटे निकाल के लाइव प्रोजेक्ट करना होगा। अगर आप किसी कमेटी में गए, प्लेसमेंट कमेटी, एलुमनाई कमेटी, तो लाइव प्रोजेक्ट थोड़े कम करवाओ, क्योंकि कमेटी का ही रोज का 2 घंटे का काम होगा। आई वॉज पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमेटी एट आई एम विशाखापट्टनम। मैं रोज रात को 11 बजे से 12 बजे तक हमारी रोज मीटिंग होती थी मेरे आईएम में, रात को 11 बजे से रात को 12 बजे तक रोज मीटिंग होती थी। अगर पार्टी करके भी आया हो ना दोस्तों, पार्टी करके आया हूँ, हाई हूँ, तो भी मुझे रात को 11 से 12 मीटिंग करना है एवरी डे, एवरी डे। जब मैं फर्स्ट ईयर हूँ तो सीनियर्स के साथ उनका काम करना है, उनसे काम करना है। अगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो अपने जूनियर्स के काम करवाना है। तो कमेटी में गए तो मजा बहुत आएगा, लेकिन हर दिन आपको 2 घंटे देने होंगे। लाइव प्रोजेक्ट में गए तो जब भी लाइव प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 2 महीने का, उसमें 2 घंटे देने होंगे। कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन कर रहे हो तो जब जब कॉम्पिटिशन का डेडलाइन आ रहा है उसके पहले 3-4 घंटे देने होंगे। ये तो पढ़ाई के अलावा, और पढ़ाई के अलावा ही ज्यादा मेहनत करना है दोस्तों, मेरी मानो तो पढ़ाई नॉर्मल करो। आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिकमिंग अ टॉपर एट एमबीए, नो। किताबें तो अभी भी अवेलेबल है, किताबों से ही एमबीए करना है तो आज एमबीए कर लो। मैं 10 किताब लिख देता हूँ अभी आपको कमेंट्स में, कोटलर, रॉबिन्स, वो भी मार्केटिंग की किताबें, ये पढ़ लो, आपको मार्केटिंग और वो भी आ गया, एचआर आ गया। किताब से कौन देख रहा है एमबीए कैसा किया हो, आईएम गए हो तो वहां का पूरा फायदा उठाओ, वहां के कमिटीज का, वहां के लाइव प्रोजेक्ट्स का, वहां के समर इंटर्नशिप्स का, वहां के सब चीजों का फायदा उठाओ दोस्तों, वहां के पीयर नेटवर्क का, तब हुआ आईएम का एमबीए। किताब तो आईएम में भी वही पढ़ेगा जो एमिटी में पढ़ेगा। ऑल द बेस्ट माई डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ, टेक केयर।